दिस इज मीनाक्षी सिंह। आज हमने एक अलग सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बेसिकली बिहार बोर्ड में है बट सिलेबस में नहीं दिया रहता है, तो नॉर्मली इसको पूछा नहीं जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी रहता है बट सवाल इसका जल्दी आता नहीं है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में और हमारा कंपटीशन, जैसे हम लोग सीए की तैयारी करते हैं सीए फाउंडेशन में, जो सीपीटी जिसको बोलते हैं, फिर हम लोग सीएमए का एंट्रेंस निकालते हैं या लॉ का एंट्रेंस निकालते हैं, तो उसमें ये सब टॉपिक रहता है, तो इसको जान लेना ज़रूरी है। नॉर्मली हम लोग रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़े थे जो अगर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व हो तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो नॉर्मली आप लोगों को हम बताए थे जनरल रिजर्व, या आपको बताए थे जो कोई भी रिजर्व हो उसको पार्टनर्स में आप ट्रांसफ़र कर दो ओल्ड रेशियो में। तो नॉर्मली जनरल होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। तो अब जनरल रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व होते हैं, तो एक रिजर्व उठ कर आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत ही इंटेलेक्चुअल ये रिजर्व है, जो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के ही प्रॉफिट में से, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट अ रिजर्व कैन बी मेंटेन बाय द फर्म इन दैट सिचुएशंस व्हेन एवर एनी पार्टनर्स सच लाइक ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। इट कैन बी जस्ट लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, वॉट एवर, किसी में भी ये चीज हो सकता है। यानी कि अगर किसी पार्टनर का एक्सीडेंट होता है तो उस स्थिति में फर्म उसके लिए कुछ पैसे रखती है, जमा करती है और सबके प्रॉफिट में से ही रखती है, और इस पैसे को यूज़ किया जाता है जब कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट होता है, और अगर नहीं होता है तो वो पैसे आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन पार्टनर ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो ये डिटरमाइन करता है WCR, दैट इज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नॉर्मली इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो आपको यही जानना है जो ड्यू टू एक्सीडेंट सिचुएशन इट कैन बी हेल्ड बाय द फर्म फॉर द पार्टनर। अब क्या है इसमें, चूंकि हम इसको लिख लिए हैं आपको समझाना आसान हो, ये आप मानकर चलिए जो आपको कोई तैयारी करनी है उसके लिए आप इसको संभाल के रखिएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फर्म में सपोज कीजिए मैं हम ही एक पार्टनर हैं और मेरे अकाउंट में रिजर्व में 5 लाख रुपीज़ फर्म ने जमा किया है, तो वो 5 लाख रुपीज़ 1 मंथ्स का नहीं है, वो कई ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर का जमा किया हुआ रिजर्व है, इसलिए नाम ही है रिजर्व। और रिजर्व जब भी होगा वो लायबिलिटी होता है इन द सेंस। तो अब क्या है, पहला टॉपिक हमने लिखा है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट, यानी कि अगर एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वैसे स्थिति में मेरे नाम का जो 5 लाख रुपीज़ है वो एज इट इज जमा है, तो 5 लाख रुपीज़ हमको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही प्रॉफिट का पार्ट है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ हमने लिखा है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जब कोई क्लेम नहीं बना तो ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आपके सवाल में आता है तो आप क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और इसको जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अगर क्लेम मेड नहीं हुआ तब तो कॉमन बात है, जैसे जनरल रिजर्व का एंट्री करते हैं, पीएल का करते हैं, पीएल के एक डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का करते हैं, वैसे इसका कर दिए, मेन टर्म अब आएगा। नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR, अब क्लेम लगेगा, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है जो कितना अमाउंट उस पर एक्सपेंस हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्लेम इज लोअर, यानी जितना मेरे रिजर्व में है उससे कम ही क्लेम लगा है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, जितना क्लेम लगा है वो प्रोविजन के रूप में यानी चला जाएगा और जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर को मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्लेम जब लोअर होगा तो WCR तो डेबिट होगा ही, और जितना आपका क्लेम लगा है उसको लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, और जो रेस्ट बच गया वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर में। सपोज कीजिए जो हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ है और एक्सीडेंट होने पर हॉस्पिटल में या जहाँ भी मेरा इलाज हुआ वहाँ 3 लाख रुपीज़ खर्च हुए, तो 3 लाख मेरा कहाँ चला गया, प्रोविजन में, बट मेरे रिजर्व का बचा हुआ 2 लाख रुपीज़ हमारे अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
अब है क्लेम इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब बराबर, जितना रिजर्व में था उतना ही हमारा क्लेम भी बन गया। तब तो फिर पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा कहाँ होगा, प्रोविजन में चला जाएगा। तो उसका जर्नल होगा डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डब्ल्यू सी आर अकाउंट। बहुत ईजी है ये, जस्ट लाइक एक टर्म है जो अगर क्लेम से ज़्यादा पैसा हुआ तो क्या करेंगे, क्लेम से कम हुआ तो क्या करेंगे, और क्लेम के इक्विवेलेंट है तो क्या करेंगे। तो इक्विवेलेंट है तो सारा सारा प्रोविजन में, कम है तो जितना क्लेम में लगा और जो बचा वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन ओल्ड रेशियो में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, क्लेम इज हायर। आप यहाँ जूम कर ले, क्लेम इज हायर। हायर में अगर आपका क्लेम ज़्यादा हो गया, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ मेरे रिजर्व में है और बट हमारा क्लेम जो है 9 या 10 लाख रुपीज़ का हो गया, जस्ट डबल हो गया, तो अब क्या होगा। तो रिजर्व यानी रिजर्व क्रिएट किसने किया है, फर्म। तो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। तो रेस्ट जो अमाउंट बचा वो देना तो पड़ेगा ही, तो पार्टनर्स के पर्सनली अकाउंट से क्या होता है, डेबिटेड होता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है, तो क्लेम हायर होगा तो डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट, यानी जितना रिजर्व में है 5 लाख। और फिर रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर फिर से हम लोग रिवैल्यूशन पर आ गए। और ये रिवैल्यूशन इसीलिए है क्योंकि रिजर्व जो है वो लायबिलिटी है, और एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का जो भी चेंज वैल्यू होता है वो रिवैल्यूशन को ही इंडिकेट करता है। इसीलिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रिवैल्यूशन से। क्लियर है? तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो मान लीजिए 5 लाख हमारे रिजर्व में और एक्स्ट्रा कितना लगा 5 लाख, और टू प्रोविजन फॉर, देना तो होगा ही 10 लाख। अब ये 5 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा हुआ वो कहाँ से आएगा, तो पार्टनर्स यानी दो एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट, यानी पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिटेड होगा वो 5 लाख रुपीज, और फिर ये जो हमारा चेंज द वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो इन द सेंस है, इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था, जो इस टॉपिक को आप जान लें, कोई भी बोर्ड हो, जानने से कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज जस्ट लाइक रिजर्व, कैन बी डन बाय द फर्म फॉर द पार्टनर आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द इंसिडेंटल एक्सीडेंट सिचुएशंस व्हेन एवर क्लेम इज मेंटेन। अगर क्लेम को मेंटेन करेंगे तो या तो लोअर होगा या इक्वल होगा या हायर होगा, और कभी कभी क्लेम होता ही नहीं है तब तो कुछ बात ही नहीं है, हम लोग पुराने मेथड से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप राइट डाउन कर लें और इसका एक नोट्स बना लें आप। इसी के जैसा एक और रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी जस्ट इसी के तरह काम करता है, लेकिन उसके लिए हमको, क्योंकि ये जो है हमारा लायबिलिटी के तरह काम किया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वह हमारा एसेट्स के तहत जमा हुआ इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी लायबिलिटी ही है बट वो एसेट्स से रिलेटेड है, तो उसमें भी यही सिचुएशन आएगा। बस हम लोग को ये जानना है, कोई भी रिजर्व हो वो पार्टनर्स अकाउंट में जाता है ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।